बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग फिर आपने किया सर, पिछले राज्य को एकजुट तो करते ही रहे, शुरू से करते रहे। इसके लिए तो कितना बड़ा आंदोलन चलाए हैं, आप लोगों को तो याद होगा, 11 का 12 का सबका कितना ज्यादा कार्यक्रम होता था याद होगा, 13 में तो सब तो हम लोग मांग करते ही रहे शुरू से, लेकिन इसको नहीं माना गया। तो कोई आप लोग पूछते हैं तब कह देते हैं, लेकिन बाकी तो अपना काम कर ही रहे ना, अपनी तरफ से तो अपना काम करते हैं। जाति आधारित गन्ना पराजय एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में फैसला दिया, बहुत लोग समझ रहे थे नहीं करेंगे, अरे तो सबके हित में है। अभी जाति आधारित गणना हम पहले ना बता दिए हैं, जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम लोग तो राज्य में कर रहे हैं, तो राज्य में कर रहे हैं एक एक चीज की जानकारी, और आपको पहले से भी बताएं कि हम लोग जानना चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति को देखें, तो एक एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना, कैसे मदद करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इस मकसद से किया जा रहा है। तो इसीलिए तो देख लीजिए पक्ष में फैसला हो गया, अब बीच में लग रहा था कि सब सारे पार्टी की सहमति से बोला बताइए किया गया है, और उसके बाद कुछ लोग अपना कर लिए, हमको देख के तो बड़ा अफसोस हुआ था, हम अखबार ही में देखे थे वो बिहार शरीफ का कोना, हम बहुत तो कह जरा मिलवाओ तो हमको जी, अगर बिहार शरीफ का सचमुच है तो उनसे पूछे, अब बोला बताइए कौन आदमी था हमको नहीं पता, अखबार वहां हम देखे हम नहीं जानते, तो कोई मिला नहीं। दोनों पक्षों पर जीत हुई आपकी, नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिया आपने, जाति आधारित जनगणना भी, नगर निकाय का तो चुनाव होगा तो उसके लिए तो जो बनाए थे हम लोग, जो कर रहे थे बात हुई तो हम लोगों ने सामने रख दिया कि ठीक है हम लोग फिर कर लेते हैं सर करके, और हाईकोर्ट को बता दिया, उसका चुनाव हो गया, और चुनाव में वही लोग शामिल हुए जो पहले अपना मतदान किए थे, मतदान नहीं मतलब अपना जो नॉमिनेशन किए थे, तो नॉमिनेशन वाले जितने किए थे उन्हीं का हो गया, तब कितना खुशी है सबको, किसी तरह का दिक्कत आई जो बीच में दिक्कत आई तो सब काम हम लोग करा करके उन लोगों को दे दिए मौका, तब क्या अब तो सबका वोट हो गया। सर बिहार में सर बिहार में अब नौकरी बंटने लगी है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आज कैंप लगाए गए, समूचे बिहार में नौकरी बांटी जा रही है रेलवे का, क्या कहेंगे आप लोगों का जो रोजगार का अभियान है उसी को लेकर के। जरा साहब जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में है, तो जरा उस समय का पता कर लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे, और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए सर। सर आज सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस, हम जब उसका जितने दिन हम रहे रात भर जब आता था बजट, और इतनी खुशी होती थी, और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था तो इसके लिए तो बताइए रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना, फिर से अलग बजट तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट काहे के लिए अलग किए हुए, रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है, अब कितना ज्यादा विकसित किया गया हम लोगों ने किया श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, हमको दोबारा बनाए हमने कहा वो स्वीकार की, और एक एक चीज को उसके बाद जो विकसित किया गया, अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए, खूब अच्छा हो जाए, एक एक चीज हो जाए, वो अच्छी चीज है, और बहाली तो होनी ही चाहिए, बहाली तो होनी ही चाहिए, लेकिन हाँ हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम सर नालंदा दायरे में सर बजट पिए कि भाई फिर कम से कम सर नालंदा दायरे में सर बजट पेश होता था रेल का, वो बजट रहना चाहिए, काहे पता नहीं क्या इन लोगों को हुआ कि उसका बजट नहीं रहने दे रहे, खूब चर्चा होती थी, अब पूरे देश में उसकी चर्चा होती थी, सारे कोई पार्टी के हों एमपी लोकसभा में हो राज्यसभा में सब लोग कितना भाग लेते थे, और जब हम लोग काम करते थे जरा इन लोगों को कह दीजिएगा कि उस समय का पता करवा लीजिए कि कितना ज्यादा कोई पार्टी का एमपी रहे कोई पार्टी का लोकसभा राज्यसभा कितना ज्यादा लोग पसंद करते थे, सब लोगों का बैठा करके काम करते थे कि 6 महीना में अपने एरिया का बताइए, उसमें कम से कम पूछ देते थे एक बात बताइए करते रहते थे, और कितनी खुशी होती थी। अब आज लोग जो राज में हैं तो उनके उनके के जो जगह था वह हम लोग कम किए हैं, सब चीज को याद तो रखिए लोग, तो सब अटल जी को याद रखेंगे, समझ गए ना, उनके प्रति हमारा सम्मान।
आप तो जानते ही है, अडवाणियों जिससे कभी, अरे अडवाणियों जिससे कभी पूछ लीजिए ना।